दोस्तों हाल ही में चाइनीज मांझे की वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई, तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि क्यों बैन होने के बाद भी चाइनीज मांझे का यूज किया जा रहा है। ट्रेडिशनली मांझे की इंडस्ट्री यूपी के बरेली में कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां कॉटन की स्ट्रिंग्स को सेरेमिक या मार्बल के पाउडर से कोट करके मांझा मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर चाइनीज मांझा चाइना में नहीं, इंडिया में ही सिंथेटिक फाइबर पॉलीप्रोपाइलीन से मैन्युफैक्चर किया जाता है, और मोस्टली पॉलीप्रोपाइलीन चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, और शार्पनेस देने के लिए इसे ग्लास पाउडर से कोट किया जाता है। ये मांझा कॉटन मांझे की तुलना में 1/3 प्राइस में बिकता है और इजीली टूटता भी नहीं है, और इसीलिए पतंगबाजों में ये इतना पॉपुलर है। पर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और स्ट्रेंथ और शार्पनेस की वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए हजार्डियस भी साबित होता है। एनजीटी ने 2017 में ग्लास कोटेड और चाइनीज मांझे को बैन किया था।